दुनिया इस समय महामारी कोरोना से लड़ रही है। दुनिया भर के देश इससे निपटने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पा रही। अभी तक दुनिया भर में कुल 10,15,403 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं कोरोना की चपेट में आने से मौत का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका, स्पेन कोरोना के केंद्र बन चुके हैं। स्पेन को कोरोना वायरस तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले 24 घंटे में स्पेन में कोरोना के 7,947 नए केस सामने आए हैं। वहीं 961 लोगों की जान गई है। अब तक कुल 1,12,065 लोग स्पेन में संक्रमित हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में इटली में 760 लोगों की मौत हुई है। यहाँ अब तक कुल 1,15,242 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 13,915 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 29,874 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 2,44,678 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो इटली में 13,915, स्पेन में 10,348, अमेरिका में 6,129, फ्रांस में 5,387, चीन में 3,316, ईरान में 3,160, यूके में 2,921, नीदरलैंड में 1,339, जर्मनी में 1,107, बेल्जियम में 1,011, स्विट्जरलैंड में 536, तुर्की में 356, ब्राज़ील में 324, स्वीडन में 308, पुर्तगाल में 209, साउथ कोरिया में 169, इंडोनेशिया में 170, ऑस्ट्रिया में 158 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि मरने वालों की डेड बॉडी को किस तरह से डिस्पोज किया जा रहा है। कोरोना पीड़ितों को ना ही परिवार के साथ रहने की अनुमति है, ना ही किसी से मिलने की इजाज़त है। कोरोना पीड़ित ठीक होने के बाद ही अपने परिवार से मिल सकते हैं, वो भी 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहने के बाद। कोरोना से मरने वालों के शवों को ज़्यादा दूर तक ले जाने की अनुमति नहीं है। वायरस के चलते अगर मरीज की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार आसपास ही करना होगा। इसके अलावा कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अन्य में पोस्टमार्टम की अनिवार्यता नहीं होती है। अगर किसी स्थिति में पोस्टमार्टम करना पड़ता है तो शव गृह में पूरी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पीपी सहित तमाम सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए फॉरेंसिक डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे। शवों के अंतिम संस्कार से संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन इसके लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। वार्ड से लेकर शव गृह और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाना ज़रूरी है। अगर कोरोना संक्रमित मरीज की अस्पताल के वार्ड में मौत होती है तो कर्मचारियों को हैंड हाइजीनिंग, सुरक्षा उपकरण, संक्रमण को रोकना सभी का ध्यान रखा जाएगा। सभी यूट्यूब कैथेटर इत्यादि को शरीर से निकाला जाएगा और उपचार के दौरान किए गए पंक्चरों को बंद किया जा रहा है। ट्यूब कैथेटर और जैविक कचरा प्रबंधन के तहत नष्ट किए जा रहे हैं। तरल पदार्थ को रोकने के लिए नाक और मुंह को अच्छे से बंद किया जाकर 1% हाइपोक्लोराइड से सफाई की जा रही है। अगर परिजन अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो शव को बैग में पैक करने से पहले पूरी सुरक्षा के तहत ही अनुमति दी जाती है। इसके बाद वार्ड बिस्तर आदि को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से 30 मिनट तक साफ करने के बाद हवा के प्रेशर के जरिए उसे सुखाने के बाद ही उस जगह को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। संक्रमित शव को मॉर्चरी में कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना ज़रूरी है। संक्रमित मरीज के अंतिम संस्कार से पहले एक बार परिजन या उसके रिश्तेदार अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए स्टाफ के कर्मचारी बैग के ऊपरी सिरे की चेन को खोलकर दर्शन करा सकते हैं, लेकिन इस दौरान दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। अंतिम संस्कार के लिए ज़्यादा लोगों की भीड़ लगाने पर मनाही है। हालांकि अंतिम संस्कार होने से संक्रमण नहीं फैलता, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद कर्मचारियों और रिश्तेदारों को हाथों की सफाई के निर्देश हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।